नेक्स्ट जो है हम लोग ये फिफ्टी फाइव नंबर प्रॉब्लम देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है सॉल्व दिस है ना तो इक्वेशन क्या है मेरे पास टू लॉग ए टू द बेस एक्स ठीक है प्लस लॉग ऑफ ए टू द बेस ए एक्स प्लस थ्री लॉग ए टू दी बेस बी है ना इज इक्वल टू जीरो जिसमें ए ग्रेटर देन जीरो और बी जो है वो ए स्क्वायर एक्स है तो मैं सीधा इसको ए स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है दिस इज इक्वल टू जीरो और ए जो है वो मेरा ग्रेटर देन जीरो इसको सॉल्व करना है तो अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं क्या सोच सकता हूँ कि सारे लॉग को जो है वो सिमिलर टाइप के टर्म्स बनाया जाए मतलब कि सेम बेस लिखा जाए ठीक है तो उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर लॉग ए टू द बेस एक्स है लॉग ए तो ए ए मेरे को सारे जगह कॉमन दिख रहा है ठीक है तो एक लॉग का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप से लॉग ऑफ लेट्स say पी टू द बेस क्यू है ना तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग ऑफ पी टू द बेस पी डिवाइडेड by लॉग ऑफ क्यू टू द बेस पी है ना तो इसमें ये मेरा वन हो जाएगा मतलब कि वन by लॉग ऑफ क्यू टू द बेस पी तो लॉग ऑफ पी टू द बेस क्यू को मैं वन बाई लॉग ऑफ क्यू टू द बेस पी लिख सकता हूँ इस टाइप से है ना तो ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ टू डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए है ना ये क्यों कर रहे हैं ताकि सारे के बेस में ए आ जाए ठीक है प्लस वन बाई फिर लॉग ऑफ ए एक्स टू द बेस ए ठीक है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि log ऑफ a टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए आई होप ये प्रॉपर्टी पता होगा है ना कि इसको मैं लॉग ऑफ ए एक्स टू द बेस ए लिख सकता हूँ ठीक है प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फिर से लॉग ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स टू द बेस ए ठीक है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए स्क्वायर टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए ठीक है दिस इज इक्वल टू जीरो तो यहां से अब मैं क्या आ रहा है मेरे पास टू डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स टू देश ए प्लस वन बाय वन प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस थ्री डिवाइडेड बाई ये टू पावर आगे लिख सकते हैं और लॉग ऑफ ए टू द बेस ए वो वन हो जाएगा तो टू प्लस लॉग ऑफ एक्स टू देश ए है ना तो अब ये करने से फायदा क्या हुआ कि हर जगह मेरे को लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए दिख रहा है है ना तो उसको मैं एक नया वेरिएबल बोल सकता हूँ कि लेट्स से टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ई ठीक है तो अब जैसे ये आ गया तो अब मेरे पास क्या आ गया टू बाई टी प्लस वन बाई वन प्लस टी प्लस थ्री बाई टू प्लस टी इज इक्वल टू जीरो है ना तो अब इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि टू टाइम्स ये क्या हो जाएगा वन प्लस टी टाइम्स टू प्लस टी ठीक है प्लस फिर यहाँ से क्या आएगा टी टाइम्स टू प्लस टी ठीक है प्लस थ्री टाइम्स टी टाइम्स वन प्लस टी ठीक है डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू प्लस टी दिस इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करो इसको ये सर चीज को हटाओ इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आ, क्या आएगा अगर मैं टी स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से टू टी स्क्वायर आएगा यहाँ से टी स्क्वायर मतलब कि थ्री टी स्क्वायर और फिर यहाँ से और थ्री टी स्क्वायर तो सिक्स टी स्क्वायर आएगा ठीक है फिर यहाँ से टी प्लस टू टी थ्री टी थ्री टी टाइम्स टू तो सिक्स टी प्लस टू टी एट टी प्लस थ्री टी तो प्लस इलेवन टी आएगा यहाँ से ठीक है और फिर कॉन्स्टेंट टर्म तो वन टाइम्स टू टू तो टू टाइम्स टू फोर और यहाँ से कॉन्सटेंट नहीं आएगा यहाँ से कॉन्सटेंट नहीं आएगा तो फोर ठीक है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो इसको जो मैं इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा लेकिन प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए टी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस टू है ना अगर ये वैल्यू लेता है तब तो फिर ये वाला टर्म डिवीजन बाय जीरो हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये कंडीशन मेरे को यहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा तो टी का मेरे पास सिंपली यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक आ गया तो टी का मैं वैल्यू लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है तो माइनस नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू ए है ना तो माइनस इलेवन प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो टी मेरा क्या आ जाएगा अगर मैं एक बार प्लस लेता हूँ तो माइनस सिक्स बाई टूवेल्व तो माइनस वन बाई टू और फिर अगर एक बार माइनस लो तो माइनस सिक्सटीन बाई टूल्व या फिर माइनस फोर बाई थ्री है ना और t मेरा क्या था log ऑफ x टू द बेस a ठीक है तो ये या तो माइनस वन बाई टू हो सकता है या फिर log ऑफ x टू द बेस a जो है वो माइनस फोर बाई थ्री तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा x या तो a टू पावर माइनस वन बाई टू या फिर ए टू दी पावर माइनस फोर बाई थ्री ठीक है तो इसमें भी थोड़ा मैनिपुलेशन करके बस सिंप्लीफिकेशन करना था